आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं साक्षी जोशी, खबर पंजाब से। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाई गई मुहिम के तहत फाजिल्का पुलिस को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें जिला फाजिल्का में नशा सप्लाई करने में बदनाम गांव महलम में 1,05,000 लीटर नाजायज लाहन बरामद की गई है, जिसमें बड़े स्तर पर शराब सप्लाई करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों में एक औरत भी शामिल है, जिन्हें मौके पर 2 शराब चालू भट्टियां और 2 मोटरसाइकिलों सहित काबू किया गया है। इस मामले की जानकारी दी फाजिल्का जिला प्रमुख पुलिस केतन बलिराम पाटिल ने। एरिया में जो मालम पिन पड़ता है, वहाँ पे पुलिस ने रेड एंड सर्च ऑपरेशन किया था। उसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, सतपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह, कम रासिक राज सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह रासिक, परमजीत कौर पत्नी हरमेश सिंह। इनसे कुल मिला के जो अभी तक जो हमने रिकवर किए 1,05,000 लीटर लहान, 25 बोतल नजायज शराब, 2 चालू भट्टिया, ड्रम और जो बाकी यूटेंसिल्स होते हैं कि जो लहान बनाने में यूज़ होते हैं, और इसके साथ 2 शक्की मोटरसाइकिल जो चोरी की होने का अंदेशा है, ये मोटरसाइकिल हमने बरामद की। 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, 5 लोगों की अभी भी हम सर्च कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर रेड कर रहे हैं, पर 3 लोग हमने अरेस्ट किए अभी तक। और ये अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी जो है फाजिल्का पुलिस ने की है, 1,00,000 लीटर से ज्यादा लहान पकड़ी। वहीं इस दौरान पकड़ी गई महिला परमजीत कौर ने बताया कि उनका पूरा गांव पिछले 5 सालों से शराब की तस्करी कर रहा है। हमने तो पहली बार घर में शराब तैयार की और 50 रुपए बोतल के हिसाब से लोग उनके घर से शराब ले जाते थे। की काम कर दे, पुलिस ने क्यों फड़ाया था? पेंड च ना हैंडल ली, रेड कीता ने पेंड च ना हैंडल ली, ते थोड़ी साडे घर हैंडल ली। किन्नी लान निकली थोड़ी? थोड़ी ही लगता। किन्नी कदों तो काम कर रहे जी? पहली बार पाया से। ये लेंदा कौन है लान, खरीदा कौन है? किन्ने दी बिकदी है? बोतलों के हिसाब नाल बेचते जी कि खुली बेचते जी? किन्ने दी बोतल देंदे जी? 50 रुपए दी बोतल। आप भी सुनिए, पंजाब पुलिस लगातार नशा बेचने वालों की धरपकड़ कर रही है। देखना यह है आखिर पंजाब कब नशा मुक्त होता है। फाजिल्का से कैमरामैन सुरिंदर के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।